यही करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स, वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूँ और इसके साथ प्रैक्टिस करूँ, स्टार्ट भी दे दूँ ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स, वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स, वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूअर्स, वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती
सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती
थी और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूँ, स्टार्ट भी दे दूँ ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूअर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती
सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती
और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूँ, स्टार्ट भी दे दूँ ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और इसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूअर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। यकीन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती
सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। देवी इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। देवी इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। देवी इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और व्यूअर्स वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स जुनीद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। देवी इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि
परमीन ने मैच हारा, लेकिन सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। इसी तरह आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और व्यूवर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसकी टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूँ, स्टार्ट भी दे दूँ ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है, लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसकी टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूँ, स्टार्ट भी दे दूँ ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है, लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूअर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसकी टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है, लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन इस सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसकी टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर्स, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, स्टार्ट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर्स, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। व्यूवर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्म में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है, लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि
परमीन ने मैच हारा, लेकिन सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और व्यूवर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूवर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूवर, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूवर, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त को तो कोई ये मालूम हो जाएगी कि इसने तो हमसे माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी है। देवी इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल 22 कदम के अगले किस्से में आप देखेंगे कि परमीन तो फाइनल मैच हार चुकी है लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस सोच में नहीं है कि परमीन ने मैच हारा, लेकिन सोच में है कि इसने कितना अच्छा खेला। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद खुद भी हैरान है कि परमीन इतना अच्छी खेलती है और वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और व्यूअर्स, वो लोग जो परमीन को अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे और सोचते थे कि परमीन तो खेल नहीं सकती और इसको तो खेलने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन व्यूअर्स वो लोग अब पछताते हैं कि मैं हम कैसे परमीन से खेले और इसके टीम में शामिल हो जाए। अब व्यूअर, जुनैद को भी फरहीन के खेलने से मोहब्बत हो गया है और अब वो चाहता है कि मैं फरहीन के साथ खेलूं और इसके साथ प्रैक्टिस करूं, इसको डांट भी दे दूं ताकि अगले मैच में इसे भी अच्छी खेले। व्यूअर, दूसरी तरफ फरहीन अपने दोस्तों से माजरत करेगी और उसके दोस्त